हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव की फिल्म ठाकरे इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से सुर्खियों में बना हुआ है। दर्शकों की तरफ से फिल्म के ट्रेलर को बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिला था। ऐसे में हर किसी को लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित होगी। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे ने तो रिलीज से पहले ही एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल फिल्म ठाकरे को मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में सुबह 4 बजे ही शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ठाकरे का पहला शो आईमैक्स वडाला में होगा। बता दें कि ऐसा मौका शाहरुख खान या सलमान खान की फिल्मों को भी नहीं मिला है। ऐसा हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी पहली बार है जब किसी स्टार की फिल्म इतनी सुबह रिलीज होगी। आमतौर पर फिल्मों का पहला शो सुबह 7 बजे का होता है, लेकिन महाराष्ट्र में बाला साहेब का क्रेज दिख रहा है। यही वजह है कि एग्जिबिटर ने इस तरह का कदम उठाया है। ऐसा करने से फिल्म की ऑक्यूपेंसी रेट पर भी असर पड़ेगा। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, नवाजुद्दीन की ठाकरे ने रिलीज से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें कि इस फिल्म के साथ कंगना की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी भी रिलीज हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ठाकरे की रिलीज से कंगना की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वैसे आप नवाजुद्दीन की फिल्म ठाकरे को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।